राज्यपाल कलराज मिश्र ने परंपरागत चिकित्सा ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान का मेल करते हुए नवीनतम अनुसंधान किए जाने का आह्वान किया है। आज राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि चिकित्सकों को राज्य के पिछड़े क्षेत्रों, गांवों, आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देकर समाज का विकास करना चाहिए। हर तरह के रोगों को दूर करने में इतने निपुण थे कि असाध्य से असाध्य रोग से ग्रसित बीमार उनकी चिकित्सा से स्वस्थ हो जाता था। भारतीय ऋषि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता की रचना उन्होंने की। 800 ईसा पूर्व के ऋषि यात्रेय को पहला महान भारतीय चिकित्सक यानी शिक्षक माना जाता है। आत्रेय तक्षशिला में रहते थे। प्राचीन ग्रंथ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि महात्मा बुद्ध के समय काल में सम्राट अशोक ने आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा शास्त्र के रूप में मान्यता दी थी।